दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसी ऐसी कमाल की चीजें दिखाएंगे जिनको आप पहली बार देखेंगे और जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। टोमेटो केचप दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चटनी है। बर्गर्स, फ्राइज और भी ना जाने किन किन चीजों के साथ केचप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर तो इन चीजों को खाने का मजा ही नहीं आता। और एक रिसर्च ये शो करती है कि टोमेटो केचप के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा जा सकता है। अमेरिका में तकरीबन हर एक इंसान साल में 3 लीटर केचप का इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में टोमेटो केचप को किस तरह से बनाया जाता है? अगर आप भी टोमेटो केचप खाते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वरना आप बहुत सी कीमती मालूमात मिस कर देंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आगे चलने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके दूरबीनी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। टोमेटो केचप की शुरुआत होती है लाल लाल टमाटरों को उगाने से। दोस्तों, एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू टमाटरों के पौधों को लगाया जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं, इस पर लगे एक छोटे से कन्वेयर पर आपको बस पौधों की जड़ों को फिट करना होता है और बाकी का सारा काम ये मशीन खुद ही कर लेती है। लेकिन यहाँ पर आप जो मशीन देख रहे हैं, ये बड़ी ही कमाल की है। इसमें बस आपको पौधों वाले ट्रे को रखना होता है और ये खुद ही वहाँ से पौधों को उठाकर जमीन में लगाती चली जाती है। बस एक बार इसमें ट्रे लोड कर देने से बाकी का सारा काम ये खुद बहुत ही करती है, जिसकी वजह से बहुत सा वक्त जाया होने से बच जाता है। दोस्तों, तकरीबन 6 से 8 हफ्तों बाद टमाटर अब कटने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इनको हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से हार्वेस्ट किया जाता है। ये मशीन एक खास गहराई तक जमीन के नीचे जाकर टमाटरों को हार्वेस्ट करती चली जाती है और इस पर लगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से सब कुछ इसके मेन हिस्से में चला जाता है, जैसे कि टमाटरों की बेलें और जड़ें, जिसको ये तेज हवा और एक वाइब्रेटर की मदद से टमाटरों से अलग कर देती है और फिर टमाटरों को ये मशीन एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डालती है, जो कि इन टमाटरों को एक तीसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाल देता है, जो कन्वेयर बेल्ट इनको एक ट्रक में लोड करने का काम करता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये मशीन टमाटरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और ये सब कुछ ये बड़ी ही स्पीड से करती है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। सच में ये मशीन बड़ी ही कमाल की है। टमाटरों की हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद इनको फैक्ट्रीज में लाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि टमाटरों की 2000 से ज्यादा इकसाम हैं? फैक्ट्री में अनलोडिंग सेक्शन पर तमाम टमाटरों को ट्रक से अनलोड कर दिया जाता है। अनलोड किए हुए सारे टमाटर जाकर एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिसके बाद इनको पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे इन पर लगी धूल मिट्टी उतर जाती है। जिसके बाद अगला मरहला आता है इनकी सॉर्टिंग का, जिसको 2 हिस्सों में किया जाता है। पहले हिस्से में कारीगर इन टमाटरों में से उन टमाटरों को अलग कर देते हैं जो कि हरे और खराब होते हैं। आगे चलकर एक मशीन भी यही काम करती है, हरे रंग के टमाटरों को अलग कर देती है। मशीन ये काम बड़ी ही स्पीड से करती है। हरे टमाटरों को मशीन के दूसरे हिस्से से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद इन टमाटरों को एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है। आगे चलकर इन टमाटरों पर बेहद गर्म पानी डालकर इनके छिलकों को गला दिया जाता है, ताकि आगे चलकर छिलके आसानी से उतर जाएं, जिसके लिए टमाटरों को रबड़ की घूमती डिस्कों के ऊपर से गुजारा जाता है और तेज दबाव के साथ इन पर गर्म पानी डाला जाता है, जिससे इनका छिलका बड़े ही आराम से उतर जाता है। जिसके बाद दोबारा फिर से बहुत से कारीगर इनकी सॉर्टिंग करते हैं, ताकि मयार पर पूरे ना उतरने वाले टमाटरों को अलग किया जा सके। यहाँ से अलग किए हुए टमाटरों को बाद में जूस निकालकर छिले हुए टमाटरों के साथ पैक कर दिया जाता है,
क्योंकि छिले हुए टमाटर बिल्कुल ताजे और फ्रेश नजर आने चाहिए। इस तरह के टीन पैक टमाटरों को बड़े बड़े होटलों और घरों में फास्ट कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से ये कन्वेयर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट फैक्ट्री के उस हिस्से में जाता है जहाँ छिले हुए टमाटरों को डब्बों में पैक कर दिया जाता है, और दूसरी कन्वेयर जाती है टोमेटो पेस्ट वाले हिस्से में जहाँ इन टमाटरों के बीज निकाल कर इनको पीस कर इनका पेस्ट बना लिया जाता है ताकि बाद में इससे केचप बनाया जा सके। जब छिले हुए टमाटरों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है तो इनको एक बहुत बड़े रोटेटिंग टब में एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। जो इन टमाटरों को डब्बों में भरने का काम करता है, जिसके लिए कन्वेयर बेल्ट पर बहुत से टीन के डब्बों को रख दिया जाता है। डब्बों में सबसे पहले थोड़ा थोड़ा टमाटर का जूस डाला जाता है, जिसके बाद इन डब्बों में छिले हुए टमाटरों को डाल दिया जाता है। ये फिलिंग मशीन बड़ी ही स्पीड से ये काम करती है। बाद में कारीगर डब्बों में फ्रेशनेस के लिए टमाटरों के पत्तों को भी रख देते हैं, जिसके बाद ये डब्बे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे जाते हैं जहां उन पर सील लगाकर पैक कर दिया जाता है। आखिर में इन पर लेबल्स लगाकर मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि टोमेटो केचप आखिर कैसे बनाया जाता है। बीज और स्किन को अलग करके पहले से तैयार किए गए टोमेटो पेस्ट को एक कंटेनर में पैक करके केचप फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। कंटेनर का वजन तकरीबन 1300 किलोग्राम होता है। फैक्ट्री में कंटेनर से टोमेटो पेस्ट को ब्लेंडिंग मशीन में भेज दिया जाता है। ब्लेंडिंग मशीन के नीचे वाले हिस्से से इसमें शुगर सिरप डाला जाता है और टोमेटो पेस्ट को ऊपर वाले हिस्से से डाला जाता है। ब्लेंडर घूमता है, सिरप और पेस्ट की मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। मिक्सिंग के दौरान टोमेटो केचप के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस मिक्सचर में मिक्स मसाले डाल दिए जाते हैं, जैसे कि गार्लिक और अनियन पाउडर। ब्लेंडिंग के बाद केचप बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसको पैस्चराइजर में तकरीबन 100 डिग्री तक 30 सेकंड के लिए कुक होने दिया जाता है। हीटिंग प्रोसेस के बाद केचप बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद बारी आती है इसको पैक करने की। बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद फिर इसको एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से फिलिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। बोतलों को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद फिर इसको एक फिलिंग मशीन की मदद से इसमें केचप भर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 5 जून को एज ए केचप डे मनाया जाता है, जहां इस मशीन में इन बोतलों पर कैप्स लगाते हैं, जिसके बाद इन बोतलों को ठंडा करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये कूलिंग कम से कम 1 घंटे तक की जाती है, फिर बाद में इन पर लेबल्स लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बोतलों में केचप को भरा जा रहा है, जिसके बाद इन पर कैप्स लगाने के लिए कारीगर कैप्स को एक मशीन में डाल देता है। यहाँ पर 8 बोतलों को एक साथ और स्पीड से कैप लगा दी जाती है। 1876 में पहली बार टोमेटो केचप को हाइंस ने दुनिया में मुतारिफ करवाया। हाइंस की हर साल पूरी दुनिया में 650 मिलियन केचप्स की बोतलें सेल हो जाती हैं, जिसके बाद इस पर 3 तरह के लेबल्स लगा दिए जाते हैं और इनको एक रिबोटिक मशीन रैप कर देती है, और आखिर में हम सबका मनपसंद केचप बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए।